के एक तो दो न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं जो नंबर टाइप वेरिएबल, उसको जब हम प्लस करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, सम हो जाता है। लेकिन अगर दो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को हम आपस में प्लस करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉन्कैटिनेट हो जाता है। ये हम फिनोमेना पहले देख चुके हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ये कह रहा है, ये कोड है आपका कि एक वेरिएबल बना हुआ है, इन्होंने वार करके बनाया हुआ है, हमारे केस में हम लेट करके बनाएंगे, और साथ में एक स्ट्रिंग डेटा उसके अंदर रखवा दिया। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल ये लिखा और ये वेरिएबल के अंदर चला गया। अब इस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग मौजूद है, अलर्ट किया या कंसोल किया तो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। अच्छा, बट कह रहे हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि थैंक्स और उसके बाद प्लस करके कोई वेरिएबल रखा, उसमें यूज़र का नाम होगा, ठीक है, मलिक, अरसलान, अहमद, जो भी नाम होगा, और प्लस साथ में फिर ये एक्सक्लेमेशन साइन, तो ये पूरा जो इवेल्यूएट होगा ये क्या, जाहिर है कि एक्सप्रेशन बन गया, ये भी प्लस आ रहा है क्योंकि बीच में, तो एक्सप्रेशन बन गया ये भी, तो ये एक्सप्रेशन एक इवेल्यूएट होगा एक सिंगल वैल्यू पे। दिस एक्सप्रेशन विल रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, वो वैल्यू क्या होगी, एक सेंटेंस होगा, एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू होगी। अच्छा, वो सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू अलर्ट है तो अलर्ट में चला जाएगा, इसको किसी वेरिएबल में भी रखवा सकता था मैं, ठीक है, जैसे एक मैसेज करके वेरिएबल, इसमें लिखा हुआ है थैंक्स, और एक बैंगर करके लिखा हुआ है जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन साइन। अच्छा, इसको ऐसे करके मैं अलर्ट भी करवा सकता हूँ और ऐसे करके इस किसी वेरिएबल में भी रखवा सकता हूँ, वेरिएबल में रखवाना यहाँ पर डिस्कस नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये भी कर सकता हूँ मैं। तो एक, दो और तीन, ये तीन वेरिएबल है जो आपस में प्लस करके उसको प्रिंट किया जा रहा है, तो जब भी ये अलर्ट चलेगा पहले इसको, इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व किया जाएगा एक सिंगल वैल्यू पे, दैट इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे देखो वही बात आ गई जो मैं कह रहा था कि इन तीनों को प्लस करके एक वेरिएबल में भी रखवाया जा सकता है, और उस वेरिएबल को मैं कंसोल कर दूं बाद में, तो इस वेरिएबल में क्या चीज़ जाएगी, ये एक वेरिएबल है, एक वैल्यू रिटर्न करेगा थैंक्स, ये एक वेरिएबल है, इसमें लिखा होगा एक स्ट्रिंग में मलिक, और ये एक वेरिएबल है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये तीनों जब प्लस होंगे तो ये तीनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे क्योंकि तीनों स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास ऐसे करके दो स्ट्रिंग आ जाए तो ये क्या प्लस होगा या कॉन्कैटिनेट होगा, ये कॉन्कैटिनेट होगा क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जब यूजर से हम इनपुट लेते तो लिखा था यूजर ने टू, लेकिन वो हमें मिलता था स्ट्रिंग फॉर्म में, तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ये 22 बन जाएगा। अच्छा, लेकिन इसी तरीके से अगर ये हो कि एक स्ट्रिंग है उसके साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू को प्लस करो मैं, ठीक है, तो ये क्या इवेल्यूएट करेगा, क्या ख्याल है आपका, एक, अच्छा स्ट्रिंग में उन्होंने एक जुमला लिखा है कि 2 + 2 = तो ये जब सिंगल जुमले में इवेल्यूएट होगा तो ये पूरा जुमला क्या बनेगा, या क्या कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, या क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4 लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसा होगा। अच्छा चलो, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको कॉपी करके ना एक नया यहाँ पे हम बना लेते हैं फोल्डर, जिसका नाम रख देता हूँ मैं 7 कॉनकेट स्ट्रिंग, ठीक है, एक नया फोल्डर बना लिया, एक नई फाइल बना ली, क्या है स्पेलिंग गलत लिखी क्या मैंने, अच्छा जी, तो ये मेरे पास एक बात आ गई है, एग्जैक्टली मैंने वो बुक से कॉपी करके उठा लिया, और इसका जो भी रिजल्ट होने वाला है उसको मैंने एक वेरिएबल में रखवा दिया। अब इस वेरिएबल को जब मैं कंसोल करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या आया है यहाँ पर। अच्छा जी, तो कितने लोगों का ख्याल है कि कुछ लोगों ने कहा 4,
कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 आ जाएगा, यानी ऐसा लिखा हुआ है कि 2 + 2 = 22, ठीक है। तो दो ही आंसर है ना आप लोगों की तरफ से, कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 22 आएगा, कोई तीसरा जवाब है किसी का? सिर्फ 2, सिंगल 2 लिखा हुआ जाएगा ये कह रहे हैं दोस्त। अच्छा, इसका सही जवाब ये है कि 22 आ जाएगा, सही है। इसको चला के भी देख लेते हैं एक दफ़ा, अब वो क्यों आएगा वो हमें समझना है, ज़रूरी चीज़ ये है कि वो क्यों आएगा। सही है, 2 + 2 = 22, ठीक है। जो रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ है वो कुछ इस तरह का लिखा हुआ प्रोड्यूस हुआ है, रिजल्ट इक्वल्स 2 + 2 = 22। अच्छा, तो जो लोग 22 कह रहे थे, क्या वो ये बता सकता है उनमें से कोई कि ये 22 क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? प्लस की वजह से, हाँ, स्ट्रिंग देखो यहाँ पे एक पहला जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग है, लिटरल स्ट्रिंग लिटरल है, प्लस एक न्यूमेरिक वैल्यू प्लस एक और न्यूमेरिक वैल्यू। अब इतना हम पढ़ चुके हैं कि ये आपको गेस कर लेना चाहिए सही सही बिल्कुल, जो जितना हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस वगैरह एक्स वाई जेड जी। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, एक दोस्त कह रहे हैं कि नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाया। देखो इसका चक्कर ये है कि एक स्ट्रिंग को, अच्छा प्लस का ऑपरेटर है इस एक्सप्रेशन में, 3 वैल्यूज है ना और तीनों के दरमियान प्लस है, तो हमारे पास है value 1 + value 2 + value 3। अच्छा प्लस को इसकी एसोसिएशन जो है वो राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है? लेफ्ट टू राइट है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट वाला जो है ये प्लस होगा राइट वाले में, राइट वाला लेफ्ट वाले में प्लस नहीं होगा। हमने पढ़ा था ना ये शुरू में कि मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हम 10/3 करते हैं, तो 10 को काट के 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 को नहीं काटना। अच्छा प्लस में हमने ये देखा था कि वो मैटर नहीं कर रहा था कि 2 में प्लस करूँ या है ना 3 में 2 प्लस करूँ या 2 में 3 प्लस करूँ, बात तो एक ही, लेकिन यहाँ फ़र्क आ गया। यहाँ पे क्या हो गया कि एक स्ट्रिंग है इसको मैं प्लस करने जा रहा हूँ एक नंबर के साथ, तो इसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा ना वो स्ट्रिंग होगा। सही है, इसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा ये स्ट्रिंग होगा, तो इस न्यूमेरिक वैल्यू को ये क्या कर लेगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। क्योंकि अगर इमेजिन करो इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता, और प्लस में वैसे भी वो नंबर में कन्वर्ट नहीं करता, प्लस अगर दोनों न्यूमेरिक भी हो ना तो भी नंबर में कन्वर्ट नहीं करता। अच्छा इमेजिन करो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? ये आप सब लोगों ने करके देख लिया होगा अगर कैलकुलेटर वाला टास्क किसी ने किया है तो। अगर मैं माइनस लगा दूँ, एक तरफ स्ट्रिंग है एक तरफ न्यूमेरिक है, और माइनस लगा दूँ नॉट अ नंबर कर देगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पे होता ना 2 सिर्फ, तब तो ये माइनस हो जाता है ना, क्योंकि ये इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेता। अब इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, इतना ही इसमें ABCD भी आ रही है, स्पेस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? तो अगर इसको मैं माइनस करूँगा ना 2 से तो ये नॉट अ नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस करने के केस में, सही है, प्लस करने के केस में अगर ये सिर्फ 2 होता तो भी 22 होता, और ये इतना लंबा स्ट्रिंग है तो भी ये उसको कॉन्कैटिनेट ही करेगा। तो पहले स्ट्रिंग है, इस वजह से क्या होगा, इसका जो रिजल्ट है वो स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगा। अच्छा अब इमेजिन करो कि अगर ये पहले होता, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा स्ट्रिंग काफी लंबा चौड़ा है हमारा, ठीक है। अगर ऐसे होता 2 + ABC और उसके बाद दोबारा +2, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता? नहीं सिर्फ इन दोनों का जो मैंने सिलेक्शन की हुई है, ABC 2 या 2 ABC 2 ABC, सही है। तो इस केस में भी ये क्या होता? कॉन्कैटिनेट ही होता, ठीक है। इस केस में भी क्या होता? ये कॉन्कैटिनेट होता। तो हमने क्या देखा कि जब दोनों वैल्यू नंबर होगी तभी ये सम करेगा। अगर इसको मैं चलाकर देखूं तो इसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? 2 ABC और 2, ऐसे करके इसका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, है ना, मिला के होगा बल्कि, क्योंकि स्पेस नहीं है। आ जाओ देख लेते हैं ज़रा, ठीक है, 2 ABC 2, ये इसका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। तो हमने क्या देखा कि प्लस करने के दौरान अगर लेफ्ट पे या राइट पे
किसी पे भी अगर स्ट्रिंग आ जाता है तो उसका रिजल्ट स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रिंग है तो फिर तो वैसे ही कॉन्कैटिनेट होगा। कॉमा बोले तो कहाँ पे, इनके बीच में कॉमा, ये वाला स्ट्रिंग के बाद यहाँ कॉमा नहीं। कॉम में पहली बात तो कोई ऑपरेटर नहीं होता, जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो सब तो ऑपरेटर है, लेकिन कॉमा इज नॉट एन ऑपरेटर। तो पहली बात तो कॉमा यहाँ आएगा ही नहीं ना, प्लस आएगा या माइनस आएगा या कोई ऑपरेटर आएगा, यहाँ पर कॉमा आ ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। सवाल का जवाब मिल गया तुम्हें, इनकेस आ गया तो एरर है वो। मिसाल के तौर पर मैं कॉमा दूंगा मैं, और कॉमा दे के फिर मैं क्या करूँगा, कॉमा दे के मैं यहाँ जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये क्या बोलेगा मुझे, अनकॉच सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। उसने बोला भाई ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आपने क्या लिख के दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी यहीं पे रेड लाइन बना के दे रहा है कि वेरिएबल, अच्छा वो असल में एरर में ये बात नहीं कह रहा कि कॉमा क्यों लगा दिया, वो कह रहा है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ना आपने वो गड़बड़ कर दी है कोई, सही है। अच्छा किसी और का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कॉन्कैटिनेशन से रिलेटेड? अच्छा अब देखो हुआ क्या था उस वाले केस में, वापस चलते हैं ना जो उसने बुक में बना के दिया था। अच्छा शुरू करेगा ये यहाँ से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट का गेम है, तो लेफ्ट टू राइट ने जो प्रोड्यूस किया रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर दिया, ये कर दिया ए बी सी टू, ये प्रोड्यूस कर दिया इतना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे लिख भी देते हैं ना, बल्कि इन दोनों ने इवेल्यूएट किया एक सिंगल वैल्यू, दैट वाज ए बी सी टू। अच्छा अब बचा कौन सा, ये वाला। अब ये दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, ए बी सी टू फोर, है ना, ये प्रोड्यूस करेंगे। तो चला के देखते हैं ए बी सी टू फोर, हमने ये अज्यूम किया कि इस तरह का रिजल्ट इसका आना चाहिए, तो चला के देखते हैं कि क्या इसका यही रिजल्ट आता है, ठीक है। ए बी सी टू फोर ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अगर पूरे इक्वेशन के बीच में अगर सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और शुरू में जस्ट उसके स्ट्रिंग आ गया, तो जाहिर है वो शुरू से करेगा तो वो सबको ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और अगर बीच में कहीं पर मल्टीप्लाई डिवाइड आया तो डायरेक्ट एन ए एन। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको कर देता मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या होता है इतने को तो ये सही कर लेता, लेकिन जैसे ही वो डिवाइड करने की कोशिश करता है ना एक स्ट्रिंग वैल्यू को एक न्यूमेरिक वैल्यू से, तो वो कहता है कि भाई नॉट अ नंबर, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा ये एट क्यों हो गया ये एट क्यों हो गया, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। प्लस को किया ही बाद में इसने, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा, लेकिन हम चाहते हैं कि प्लस पहले हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ब्रैकेट में पैक कर दूंगा मैं। हमने कहा भाई प्लस पहले करना है, मुझे नहीं पता। अब ये वही देगा एन ए एन, सही है, एन ए एन दे दिया इसमें जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो मैंने जैसा कहा कि कभी कभी हमें पता होता है कि पहले प्लस करना है पहले डिवाइड, बॉर्ड मास नहीं, हमें पता होता, इस केस में हमें पता था कि पहले हमने प्लस करना है इस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एन ए एन इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा भाई तो ये हमें कॉन्कैटिनेशन अच्छी तरह पता चल गई कि स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन कैसे होगी। अच्छा यहाँ पे प्रॉम्प्ट का जिक्र है, प्रॉम्प्ट आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मेरा ख्याल है इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट लेना और आउटपुट दिखाना, ये दोनों मैंने एक क्लास में सिखा दिया था, उसका कोड भी रिपोजिटरी में यहाँ पर अलग से मौजूद है। ये आपका आ गया, ये रहा टेकिंग यूज़र इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा अब आ गई हमारे जावास्क्रिप्ट की, जो है ना जावास्क्रिप्ट की क्या कि प्रोग्रामिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो इफ़ है। जो प्रोग्रामिंग का जो मोस्ट क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इफ़, इस वजह से है कि जब भी हम किसी चीज़ को प्रोग्राम करते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे
आपके फ्रिज का दरवाज़ा जैसे ही आप खोलते हैं तो अंदर लाइट जल जाती है, तो वो अंदर उसके शायद कोई ऐसी वैसे तो वो प्रोग्रामिंग नहीं होती, वो मैकेनिकल बटन होता है, खोलते हैं तो बटन दब जाता है तो इससे जल जाती है लाइट। लेकिन इसी तरह की कोई चीज़ हो रही होती है प्रोग्रामिंग में कि जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँ तो इफ़ गेट इज़ ओपन लाइट को भी ऑन करूँ और इफ़ गेट इज़ क्लोज लाइट को भी क्लोज करूँ। तो प्रोग्रामिंग में ना एक्चुअली हम यही कर रहे होते हैं, ठीक है।